आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक माँ ने पढ़ाई में कमजोर बच्चे को एक महान वैज्ञानिक बनाया। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक दिन थॉमस एल्वा एडिसन, जो कि प्राइमरी स्कूल का विद्यार्थी था, अपने घर आया और एक कागज अपनी माताजी को दिया और बताया, मेरे शिक्षक ने इसे दिया है और कहा है कि अपनी माताजी को ही देना। उस कागज को देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और वो जोर जोर से रो पड़ी। जब एडिसन ने पूछा कि इसमें क्या लिखा है, तो सुबकते हुए आंसू पोंछकर बोली, इसमें लिखा है, आपका बच्चा जीनियस है। हमारा स्कूल छोटे स्तर का है और शिक्षक बहुत ही प्रशिक्षित नहीं है, इसे आप स्वयं शिक्षा दें। कई वर्षों के बाद उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। थॉमस एल्वा एडिसन जग प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए। उसने कई महान आविष्कार किए। एक दिन वह अपनी पारिवारिक वस्तुओं को देख रहे थे। अलमारी के एक कोने में उसने कागज का एक टुकड़ा पाया। उत्सुकता से उसे खोलकर देखा और पढ़ने लगा। वो वही कागज था। उस कागज में लिखा था, आपका बच्चा बौद्धिक तौर पर कमजोर है और उसे अब और इस स्कूल में नहीं आना चाहिए। एडिसन आवाक रह गए और घंटों तक रोते रहे। फिर उसने अपनी डायरी में लिखा, एक महान माँ ने बौद्धिक तौर पर कमजोर बच्चे को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। यही सकारात्मकता और सकारात्मक पालक माता पिता की शक्ति है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाल बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।